हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग ट्राइवर भवानी में। और अभी मैं हूँ सुखा जैसर किल, इसकी कुछ झलकियाँ दिखाता हूँ। और आपका एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है नई जगह पर। अभी मैं उदयपुर में हूँ, तो देखिए आगे। बहुत ही शानदार है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार जो है यहाँ का। अभी आपको दिखाने वाला हूँ सहेलियों की बाड़ी, तो चलिए मेरे साथ बने रहिए। हेलो अंकल जी, सहेलियों की बाड़ी। हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग ट्राइवर भवानी में। और एक नए ब्लॉग के साथ मैं अभी आया हूँ उदयपुर की सहेलियों की बाड़ी में। तो आप मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल फ्लाइंग ट्राइवर भवानी। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको दिखाते हैं सहेलियों की बाड़ी। तो दोस्तों, ये है इसका मेन एंट्रेंस सहेलियों की बाड़ी का। अभी हम अंदर जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा एक बगीचे टाइप है, गार्डन है ये। यहाँ पर इसका मैप है, रूट मैप, जहाँ जहाँ आप उदयपुर में घूम सकते हैं, जा सकते हैं। डेस्टिनेशन कौन कौन से हैं उदयपुर के, उसके लिए मैप चार्ट लगा हुआ है। देख के आप यहाँ से पता करके जा सकते हैं कहीं भी। ये डेस्टिनेशन है, पॉइंट्स बना रखे हैं। ये सहेलियों की बाड़ी की जो एंट्रेंस फीस है वो है प्रति व्यक्ति 20 रुपये। ये शाम को यहाँ पर कार्यक्रम होता है, उसका टाइम है। और टिकट दे रखी है 120 रुपये पर व्यक्ति, बच्चे के लिए 60 रुपये। तो इसका टाइम प्रातः 9 बजे से है, आप देख सकते हैं। दोपहर का जो टाइम दे रखा है उस अनुसार आप यहाँ पर कठपुतली का नृत्य वगैरह देख सकते हैं। ये चारों तरफ का थोड़ा सा दृश्य है। अभी इसके अंदर हम जाते हैं, तो आपको दिखाते हैं। मैं आपको टिकट दिखाने जा रहा हूँ। ये टिकट है, मैं मतलब ये है 40 रुपये की, समथिंग 60 रुपये की है। 20-20 रुपये हैं पर पर्सन। और अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये सहेलियों की बाड़ी। ये राणा संग्राम सिंह के टाइम, राणा संग्राम सिंह ने बनवाया था इसको अपनी महारानी के लिए। और ये इसलिए बनवाया था कि उस टाइम जो महारानी के साथ में 45-46 और साथ में औरतें आई थी, उनके लिए, सबके लिए। तो ये उनकी सहेलियां थी महारानी की, उनके लिए ये गार्डन बगीचा तैयार किया गया था। महाराणा संग्राम सिंह ने बनवाया था इसको 18वीं शताब्दी में। इसके अंदर जो फाउंटेन लगे हुए हैं चिड़ियों के आकार का, जो चिड़िया होती है उसकी चोंच के आकार के फाउंटेन लगे हुए हैं, वो इंग्लैंड से मंगाए हुए हैं। बहुत ही सुंदर है, यहाँ का मार्बल वगैरह कलाकृति देखने को मिलेगी आपको। चारों तरफ बढ़िया बढ़िया पेड़ पौधे, एकदम मनोरम दृश्य, सुंदर। चलिए आपको थोड़ा सा अंदर का दृश्य दिखाते हैं। जो फाउंटेन है वो दिखाते हैं, जो इंग्लैंड से मंगवाए गए हैं स्पेशल। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया है इसको, उनके मनोरंजन के लिए, महारानियों के। ये कुछ ऐसा नज़ारा है अंदर से, आप देख सकते हैं चारों तरफ से, बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ पर पर्यटक काफ़ी आए हुए हैं और ये एक डेस्टिनेशन है उदयपुर का। बहुत अच्छी जगह है ये घूमने लायक। बीच में फाउंटेन बने हुए हैं चारों तरफ इसके। तो आप यहाँ पर आके लुत्फ़ उठा सकते हैं, इसको देख सकते हैं। इस पर मार्बल का काम किया गया है। ये बहुत ही अद्भुत कलाकृति है 18वीं शताब्दी की। उदयपुर में आएंगे तो आपको ये काफ़ी चीज़ें मिलेंगी देखने लायक यहाँ पर। और मैं जब यहाँ आया था तो मुझे भी यहाँ काफ़ी पर्यटक स्थल मिल गए जो घूमने लायक थे।
इन पर्यटन स्थलों में आप घूम घूम के आनंद ले सकते हैं। और उदयपुर वैसे ही झीलों की नगरी के लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में। अभी हम थोड़ा चारों तरफ इसके घूम के और फिर बाहर की तरफ निकलेंगे और फिर हम इसके बैक साइड में जो पूरा गार्डन बना हुआ है वो दिखाएंगे आपको। इसका जो गार्डन है वो बहुत ही सुंदर बता रहे हैं। काफ़ी प्रकार के फूल हैं यहाँ पर, कमल के पौधे भी हैं जो बीच सरोवर में लगाए हुए हैं और वहाँ पर फाउंटेन वगैरह चलते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम और आपको आगे की चीज़ें दिखाते हैं। तो आपका स्वागत है फिर से। और अभी हम सहेलियों की बाड़ी में और देख पा रहे होंगे मेरे पीछे फाउंटेन वगैरह चलते हुए। ये कुछ ऐसा है, आगे जाएंगे तो इसके पीछे की साइड में जाएंगे तो ये गार्डन तैयार किया हुआ है। काफ़ी प्रकार के यहाँ पर पौधे मिल जाएंगे आपको, बहुत ही शानदार गार्डन है। ये देखिए फाउंटेन लगाया हुआ है जो चिड़िया की चोंच के तरह है जिसमें से पानी बहता रहता है। और यहाँ पर कमल के पौधे लगाए हुए हैं फाउंटेन के पास ही। कौन सा है, कमल तलाई है क्या? कमल तलाई टहने काट के दूसरे फूल लगाए गए हैं इसमें, बहुत ही मनोरम दृश्य है, सुंदर। इस तरह से बाहर की तरफ जाएंगे तो आपको और भी प्रकार के पौधे मिलेंगे। ये काफ़ी दूर में फैला हुआ बगीचा है जो आने वालों के लिए बहुत ही, जो पर्यटक आते हैं उनके लिए घूमने लायक जगह है और सबके लिए आनंददायक जगह है उदयपुर की। यहाँ आप आके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर जगह है। ये चारों तरफ इसमें पेड़ पौधे लगा के गार्डन टाइप बना के इसमें ये लाइटिंग वाइटिंग लगा के एकदम शानदार बना रखा है इसको। तो दोस्तों अभी जो मेरा वीडियो है ये सहेलियों की बाड़ी कंप्लीट होने जा रहा है। तो आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे, और ऐसे ही अन्य वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, अब वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अभी मैं यहाँ से मूव कर रहा हूँ उदयपुर से, उदयपुर की ट्रिप यहीं पर ख़त्म करते हैं। सो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं दोस्तों, यहीं पर वीडियो को एंड करते हैं दोस्तों। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बाय, सी यू।